गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन मैथ्स चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज सी गिवन ऑन पेज नंबर 18, सी यू कैन सी देर आर सो मेनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू सिंप्लीफिकेशन. ओके, बट कैन यू नोटिस there are multiple signs with among the numbers, division, addition, of brackets, addition, subtraction, multiplication, division and brackets close. Again see here, yeah, fractions ka karna hai aapko. On the next page there are bars on the given numbers, you can see it very well. If you can't, then I am zooming in. Okay, now watch and have a careful look. See, there are many brackets with multiple operation sign. Also, this is also a bracket. You can see there is a line. This sleeping line is called vinculum or bar. These are various type of brackets. See, in question number 6 in it, there are only fractions. So I am going to teach you how to solve these kinds of questions. मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है? तो मेनली जो आपके ऑपरेशंस होते हैं वो सब्ट्रैक्शन, एडिशन, डिविजन एंड मल्टीप्लीकेशन होता है. ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन. ओके, एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस यू एक्सरसाइज, लेट्स स्टडी सम टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स. ओके, यू कैन सी देयर इज अ रूल To simplify any numerical expression, किसी भी numerical expression को simplify यानी easy बनाने के लिए, small या short करने के लिए, it is required, हमें ज़रूरत है to follow the order, हमें order को follow करना है. V Bodmas rule of simplification. V means vinculum या bar, जो मैं अभी आपको explain किया था. ये जो sleeping line है, इसे vinculum या bar कहते हैं. ये भी एक type का bracket होता है, okay? B means brackets. Brackets कई टाइप के हैं, first, second, third and fourth, ये ऊपर जो आपको दिख रहा है. O means of, जहाँ भी of अगर numerical expression में written down या printed है वहाँ पर आपको क्या करना है, cross लिखना है, means multiplication symbol. D means division, M means multiplication, A means addition and S means subtraction. कुछ questions में cross पहले ही दे रखा होगा, कुछ question में brackets के बाहर या अंदर कहीं ना कहीं ऑफ लिखा होगा, तो उसका मतलब है आपको वहाँ मल्टीप्लाई करना है. ओके, और ये बार का सिस्टम क्या है मैं अभी आपको समझाऊंगा वाइल सॉल्विंग ए क्वेश्चन. सो लेट्स कम टू द एक्सरसाइज. ओके स्टूडेंट्स, सी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, divided by 13 plus 6. अब आप इसे क्लियर देख सकते हैं. इसमें आपको करना क्या है, एक्चुअली यू हैव टू सिंप्लीफाई, आपको इन्हें सरल करना है. मीन्स वो छोटी से छोटी नंबर पता करनी है जो इनको सॉल्व करके आएगी. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग आप क्या करेंगे, वी बोडमास रूल को अप्लाई करेंगे. ओके, विनक्यूलम या बार, ब्रैकेट्स, ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन. ओके, ये स्टेप्स हैं, मैं आपको सिंबल्स से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं आपके, आप भूले नहीं. तो देखिए मैंने हर एक के आगे आपको सिंपल दे दिया है, आप इन्हें कंपेयर कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी बोडमास में क्या है, बार. क्या आपको यहाँ पे कोई स्लीपिंग लाइन दिख रही है? नो. नेक्स्ट स्टेप क्या है, ब्रैकेट्स. कोई ब्रैकेट्स है? नो. थर्ड स्टेप क्या है, ओ मींस ऑफ. कहीं ऑफ लिखा है? नो. नेक्स्ट स्टेप है डिवीजन. डिवीजन सिंबल है? यस. तो फर्स्ट स्टेप है हमारा डिवीजन, इसे ब्रैकेट्स में क्लोज करेंगे. नाउ डिवाइड 52 बाई 13, वी गेट 4. एंड आउटर साइड में 6 आपको क्या करना है, एड. 4 एंड 6 अगेन ब्रैकेट्स अप्लाई करेंगे और 10 इसका रिक्वायर्ड आंसर. सी वेट्स, ये बहुत ही ईजी है.
सेकेंड क्वेश्चन सिंपल है, आप इसी तरह से कर सकते हैं, बस इससे कंपेयर करना है वी बोर्ड मास रूल से. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड. 3/5 ऑफ, देखिए अब ऑफ आ गया. इस तरह के ब्रैकेट्स को हम कहते हैं ब्रेस. क्या कहते हैं? ब्रेस. मैं आपको इनके कुछ नेम्स दे देता हूं. इस टाइप के ब्रैकेट्स को कहते हैं लॉन्ग फॉर्म्ड ब्रैकेट्स, मतलब बड़े रूप वाले. और आप इसे शॉर्ट में बोलना चाहते हैं तो आप इसे बोल सकते हैं ब्रेसेस. ये क्या है? स्मॉल ब्रैकेट्स. ओके, नेक्स्ट. ये क्या है? देखिए घुंघरालू बाल होते हैं ना लोगों के, इसलिए से कर्ली ब्रैकेट कहते हैं. ये उसी की तरह सिमिलर लुक वाला है इसीलिए. और अब आती है आपके मोस्टली 3 ब्रैकेट्स हो चुके हैं, और इट्स टाइम फॉर स्लीपिंग लाइन, एंड दिस इज कॉल्ड विनक्यूलम. ये पहला ब्रैकेट है या बार. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो जैसा कि विनक्यूलम के रूल से अगर हम इसे सॉल्व करना चाहें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं. 7 + 9 - 2 × 3 / 6 एंड ब्रैकेट क्लोज. ऑफ मिल गया आपको, आउटर पोर्शन वैसे ही रहेगा. ऑफ की जगह आपको क्या लिखना है? ओ मीन्स ऑफ, क्रॉस. क्रॉस का मतलब मल्टीप्लाई. और ब्रेसेस को फर्स्ट सॉल्व करेंगे. 7 + 9, सी एज इट इज लिखेंगे आप, माइनस 2 × 3 / 6. फर्स्ट स्टेप क्या होता है? ब्रैकेट्स वाला पोर्शन. ओके, विनक्यूलम है नहीं तो हम ब्रैकेट्स पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे. ब्रैकेट में सारे नंबर्स हैं, बट पहली कौन सी प्रोसेस होती है? डिवीजन. तो डिवीजन किसका हो रहा है? 3 / 6. क्या 3 में आप 6 से डिवाइड कर सकते हैं? नो. तो हम क्या करेंगे? सेकेंड स्टेप, मल्टीप्लीकेशन. 2 × 3 = 6. अब देखिए क्या इसका डिवीजन हो सकता है. यस, ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे इसे. स्मॉल ब्रैकेट्स का यूज किया हमने. 3/5 एज इट इज, जब तक सॉल्व नहीं हो जाता वो बाहर वैसे ही रहेंगे. 7 + 9, देखिए मल्टीप्लीकेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? एडिशन. 16 माइनस 6 / 6 क्या आएगा? 1. 3/5 मल्टीप्लाई 16 - 1 = 15. अब इजी है आपके लिए. देखिए अपर पोर्शन का मल्टीप्लाई और लोअर पोर्शन का, पर इसके नीचे तो कुछ नहीं है ना. हम देखिए क्या करते हैं. 3 × 15 अपॉन क्या दे रखा है? 5. राइट डाउन कीजिए इजीली. अब आप क्या करेंगे? 5 से 15 को डिडक्ट 3 टाइम्स. 5 × 3 = 15. अब ये 3 मल्टीप्लीकेशन सिंबल और ऊपर क्या है? 3. तो 3 × 3 = ब्रैकेट्स में 9. ये आपका रिक्वायर्ड आंसर था. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4. मैं एक आपको फ्रैक्शनल और पार्ट बताऊंगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 4, सी स्टूडेंट्स, दिस इज अवर क्वेश्चन. नाउ लेट्स स्टार्ट. अगेन आपको वी बोर्ड मास फॉलो करना है. तो ब्रैकेट्स 5/7 ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन सिंबल. अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, आप उससे भी पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, हमने वीडियो अपलोड करी थी. तो अब आपको यूज करना है. अगर आपने नहीं सीखा है तो आपके लिए बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है, बिकॉज जितने भी नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं सभी फ्रैक्शंस वाले हैं, तो टफेस्ट हैं. अब आप क्या करेंगे? सो प्लीज फ्रैक्शन की वीडियो को एक बार और अच्छे से स्टडी करें. तो 13 × 1 = 13 और 6 = 19. न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर वही रहता है. डिविजन सिमिलरली यहाँ भी क्या है? मिक्स फ्रैक्शन, इन्हें भी सिंपल कर लेते हैं. 7 × 2 = 14, 14 + 5
19 upon denominator 7. Division 4, 3 is 12, 12 plus 1, 13 upon 4. अब आप इजिली क्या करेंगे इन्हें, मल्टीप्लाई 5 9s 10. डेनोमिनेटर का डेनोमिनेटर के साथ, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ, इससे आप क्लियरली लिख लीजिए. अब बाहर क्या है, डिवीजन. अब आपको इस डिवीजन में क्या करना है कि अंदरूनी पार्ट में भी तो डिवीजन है ना, इसे हम फर्स्ट सॉल्व करेंगे. 19 अपॉन 7, डिवाइड को चेंज कर देते हैं मल्टीप्लाई में, और ये वाला सेकंड पोर्शन है ना, इसका हो जाता है रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल मींस उल्टा, जो डेनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो डेनोमिनेटर बन जाएगा. अब ऐसा तब होता है जब डिवीजन होता है बीच में, तो इसे चेंज कर देंगे और इधर वाले नंबर को पलट देते हैं अगर ये फ्रैक्शन हो तो. अब देखिए ईजीएस्ट थिंग, 5 मल्टीप्लाई 19 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 13 डिवाइडेड बाई अंदर 19 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 13. अगेन बीच में क्या आ गया आपका, डिवीजन. अब फिर क्या करेंगे, वही मेथड, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर डेनोमिनेटर न्यूमरेटर हो गया था ना, ऐसे अब इस तरफ भी डिवाइड आ गया. बीच में जैसे इसमें था, तो इस डिवीजन की जगह क्या करेंगे आप, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल. 5 मल्टीप्लाई 19 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 13. देखिए मैं इसे सॉल्व क्यों नहीं कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई करके आपको भी पता चल जाएगा. डिवीजन की जगह आप क्या यूज़ करेंगे, मल्टीप्लिकेशन. डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन, फिर नुमरेटर को डेनोमिनेटर और डेनोमिनेटर को नुमरेटर. ऐसे यहाँ भी चेंज होगा, नुमरेटर 19 इंटू 4 है, ये बन जाएगा डेनोमिनेटर. ऐसे डेनोमिनेटर 7 इंटू 13 है, ये बन जाएगा नुमरेटर. अब हम इससे एक इजी मदद कर सकते हैं, अपनी खुद की हेल्प कर रहे हैं हम. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल 19 से 19 डिवाइड हो गया, ऊपर नीचे डिवाइड होता है हमेशा यहाँ रखना, या नीचे से ऊपर. ऐसे नहीं कर सकते कि 19 यहाँ लिखा है और 19 यहाँ भी लिखा है, तो ऐसे ऐसे काट देंगे. अबव एंड बिलो एंड अबव मीन्स ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर. सेम देखिए, अब नीचे 7 ऊपर 7, नीचे 13 ऊपर 13, यहाँ से क्या बचा, सिर्फ 5. राइट डाउन कीजिए उसे ईजिली. अपॉन नीचे से क्या बचा, ओनली 4. तो ये थी सिंप्लीफिकेशन, ईजीएस्ट मेथड है. आपको कुछ नहीं करना है, बस वी बोर्ड मास रूल अप्लाई करना है, ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, ऑफ की जगह मल्टीप्लीकेशन सिंबल और डिवाइड की जगह रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा आपसे. देयर इज नथिंग सो स्पेशल, बस आपको ब्रैकेट्स की नेम याद रखने हैं. वी बोर्ड मास रूल में पहले क्या करना है ये याद रखना है. अब मैं आपको एक बार पे बेस्ड क्वेश्चन बताता हूँ. ओके, सो लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5. सी क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 में आप क्लियरली देख सकते हैं, 18 सी हमने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया है, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करते हैं पता है, सबसे छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं. सबसे छोटा ब्रैकेट है बार, और रिमेनिंग पोर्शन एज इट इज इक्वल 18 माइनस, इसे कहते हैं ब्रेस, 5 माइनस इसे कहते हैं करली ब्रैकेट. इनकी बारी जब तक नहीं आएगी ऐसे ही लिखते जाएंगे हर एक लाइन में. अंदर ये वाले ब्रैकेट 7 माइनस 8 माइनस 5 क्या होता है, राइट डाउन कीजिए उसे. 8 माइनस 5 क्या है, 3. 3 के ऊपर क्या लगेगा, बार. 3 के ऊपर बार, क्योंकि स्लिपिंग लाइन है ना. अब ये छोटा वाला ब्रैकेट बंद, करली ब्रैकेट क्लोज, ब्रेसेस भी क्लोज हो गए. अगेन सेम थिंग, जब तक बारी नहीं आएगी वैसे लिखेंगे 6 प्लस 2. सी 7 माइनस 3 बार का मतलब है ब्रैकेट 7 माइनस 3 बार का मतलब 3, ब्रैकेट क्लोज, करली ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट भी क्लोज हो जाएगा. ओके, अब नेक्स्ट 18 माइनस 5 माइनस
करली ब्रैकेट 6 plus 2, 7 minus 3 क्या होगा 4, ओके 2, और ये ब्रैकेट में यहाँ पे क्या आएगा 4, अगेन 18 minus 5 minus करली ब्रैकेट 6 plus 2। अच्छा क्या इस 2 और 4 के बीच में अब तक यहाँ बीच में कहीं भी ब्रैकेट पे साइन था? नहीं होता है तो हम क्या करते हैं पता है, मल्टीप्लाई करते हैं, अंदर क्या नंबर आई है 4। अब करली ब्रैकेट क्लोज और ब्रेसेस, देखिए ये वाला ब्रैकेट छोटा होता जाएगा, हर ब्रैकेट छोटा होते होते गायब हो जाएगा। अब करली ब्रैकेट्स खत्म करने हैं हमें, मीन्स आपको ब्रैकेट्स खत्म करना है, टर्मिनेट करना है। 5 minus curly bracket 6 plus 2 4 8 करली ब्रैकेट ब्रेसेस क्लोज, 18 minus braces 5 minus करली ब्रैकेट में क्या है 6 plus 8 14 ब्रेसेस क्लोज। देखिए करली ब्रैकेट भी खत्म हो गया ऑपरेशन में, 18 minus 5 में से 14 गए तो क्या आएगा आपका 9, लेकिन कैसा आएगा क्योंकि छोटी नंबर में से आप माइनस कर रहे हैं तो माइनस आ जाएगा। ओके, छोटी नंबर में से जब बड़ी नंबर को माइनस करते हैं तो नेगेटिव आती है। अब इसे हम किस में बंद कर देते हैं, ब्रेसेस में। 18 माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, ये कैसा हो जाएगा पॉजिटिव। 18 और 9 क्या है 27, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। सिमिलरली आप बाकी सभी क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू एंड वी शैल स्टार्ट नेक्स्ट यूनिट सून। ओके, स्टे सेफ एंड स्टे होम।